सीएम महोदय के द्वारा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे वेलफेयर ग्रुप के जो सदस्य पूरे प्रदेश के जिलों के, उनसे वीसी के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं, उसमें यहाँ के भी सभी संबंधित सदस्य जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के हैं वो लोग आज उसमें थे वीसी, और जो परिस्थितियाँ हैं इस समय उसके बारे में भी पूरा सीएम साहब ने अवगत हुए, पूरे सभी सदस्यों संबंधित सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया है किस तरह की परिस्थितियाँ हैं, किस प्रकार के पेशेंट्स पूरे आसपास के जिलों से भी आ रहे हैं और किस तरह का प्रेशर है हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, और भी जो इस तरह की परिस्थितियों में जो मेडिकल ट्रीटमेंट में किन किन बिंदुओं पे बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग चल रही है उसमें डिस्कशन डिटेल हुए, और इसको ईज आउट करने के लिए या आने वाले दिनों में ये संख्या और न बढ़े निरंतर, क्योंकि कल की जो स्थिति है वो अगले 10 दिन तक उसका असर देखने को मिलेगा, 7 दिन 8 दिन 10 दिन मिलेगा, पर ये परिस्थिति और न बढ़े, 10 दिन के बाद और विस्फोटक न हो, उसको देखते हुए मत था सभी सम्मानित सदस्यों का कि माननीय मुख्यमंत्री जी सजेस्ट किया उन्होंने कि साहब कुछ दिनों का हमको ये लॉकडाउन एक्सटेंड करना चाहिए हमको, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने डेलीगेट किया है पावर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों को कि जो निर्णय शहर के हित में उचित लगे वो जो भी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप अपना निर्णय लेगा सरकार की उसमें सहमति रहेगी। सर हम कब तक इसमें निर्णय क्राइसिस के साथ बैठ कर ले सकते हैं? लगभग निर्णय अभी ये तो हो गया है कि एक्सटेंड किया जाएगा, उसमें चर्चा करके अभी और क्या मॉडलिटीज़ रहेंगी उसकी, पर ये मॉडलिटीज़ भी क्राइसिस मैनेजमेंट की थी कि सुबह 9 या 10 बजे तक किराना की दुकान, राशन की दुकान, फेयर प्राइस शॉप्स की दुकान जो कंट्रोलिंग दुकानें रहती हैं गरीबों को जो राशन मिलता है, सब्जी, अपनी दूध की व्यवस्था, ये अपन चालू रखेंगे, इसके बाद फिर दिन भर के लिए सभी दुकानें बंद रहेंगी, और जिसको भी चाहिए आवश्यकता सुबह अपना 9 बजे तक 9:30 बजे तक ले लें, और ये व्यवस्था और इसमें जुड़ी गई है ताकि इसमें समस्या नहीं हो, इंडस्ट्री से भी चालू रहेंगे। सर लगभग कितने दिनों का ये हो सकता है तो बढ़ेगा लॉकडाउन? अभी तो मान के चलिए कि इस जो अभी 2 दिन का है ये 4-5 दिन तो मिनिमम बढ़ेगा अभी, और फिर देखते हैं परिस्थितियाँ कैसी रहती हैं।